हाय गाइस, वेलकम टू मैक्सपोर्ट। मेरा नाम आदित्य और अब मैं बात करने वाला हूं कि पंजाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद ने किन प्लेयर्स को रिटेन किया है और किन प्लेयर्स को रिलीज किया गया है। और हैदराबाद ने जिस प्लेयर को रिलीज किया है उसने मुझे मतलब शेक कर दिया है टू द वेरी कोर। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले सनराइज हैदराबाद की। तो सनराइज हैदराबाद ने जो रिटेन किए प्लेयर्स उनमें है केन विलियमसन, जो मुझे लग रहा है कि अगले सीजन जो है फुल टाइम कैप्टेंसी करेंगे। और साथ ही साथ जो प्लेयर्स, जो दो प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं वो दोनों इंडियंस हैं, दोनों जम्मू कश्मीर से, वो है उमरान मलिक एंड अब्दुल समाद। केन विलियमसन को रिटेन किया गया है 14 करोड़ में और अब्दुल समाद और उमरान मलिक को, दोनों को ईच 4-4 करोड़ रुपए मिले हैं। सो जो प्लेयर्स रिलीज किए गए सनराइज हैदराबाद में, जो सबसे बड़ा नाम है वो है राशिद खान। राशिद खान जो है इस एनोनिमस विद सनराइज हैदराबाद, कभी उन्हें और जैसे में हम नहीं देखेंगे ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन अब शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी और टीम के लिए खेले। साथ ही साथ रिलीज किए गए हैं भुवनेश्वर कुमार, डेविड वॉर्नर और जॉनी बेस्टो। तो ये जो चार बड़े नाम्स है जिनके वजह से जो है हैदराबाद स्ट्रॉन्ग बन जाती थी, इन्हीं चार प्लेयर्स को रिलीज किया गया है। आई थिंक हैदराबाद इज ट्राइंग टू गेट सम न्यू प्लेयर्स इन। और डेविड वॉर्नर का रिलीज करना मुझे नहीं पता कितना बनता था कितना नहीं बनता था। माना कि उनका आईपीएल लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्ल्ड कप देखिए आप, और ऐसे प्लेयर्स को आप एक सीजन के इस पर आप जज नहीं कर सकते। यू नीड टू गिव सच प्लेयर्स टाइम एंड आई एम होपिंग दैट डेविड वॉर्नर अगले सीजन जहां भी जाए अच्छे से परफॉर्म करे। और बाकी प्लेयर्स भी मुझे ऐसे लग रहे हैं अच्छे परफॉर्म करें। ये बहुत बड़े नाम्स है यार, राशिद खान ले लो आप, जॉनी बेस्टो ले लो, भुवनेश्वर कुमार, दोज आर वेरी बिग नेम्स। एंड बट एक तरह से ऐसे सोचे तो हैट्स ऑफ टू सनराइज हैदराबाद टू यू नो पुट फेथ इन दीज यंगस्टर्स उमरान मलिक एंड अब्दुल समाद। और केन विलियमसन की कैप्टनसी भी काफी अच्छी हमने इंटरनेशनल सर्किट पे देखा ही उन्हें। अब मैं बात करूंगा राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया है उनमें है उनके कैप्टन संजू सैमसन, जिनको 14 करोड़ में रिटेन किया गया है। साथ ही साथ 10 करोड़ में रिटेन किया गया है जॉस बटलर को। यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया गया 4 करोड़ में। जो नामी प्लेयर्स जिनको रिलीज किया गया है उनमें है बेन स्टोक्स एंड जोफ्रा आर्चर। बेन स्टोक्स जो है उन्होंने इस सीजन ब्रेक लिया था क्रिकेट से, तो वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे इस पे चर्चा हो रही है अभी तक, तो इसलिए शायद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। जोफ्रा आर्चर ने भी इस बार का आईपीएल मिस किया ड्यू टू हिज इंजरी। सो आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टू रिलीज दीज टू प्लेयर्स। अब उनके अलावा मुझे लग रहा है कि लियम लिविंगस्टन भी जो है ना उनको रिटेन किया जा सकता था, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर एंड आई थिंक राजस्थान रॉयल्स मिस द ट्रिक बाय नॉट रिटेनिंग हिम। बट यू नेवर नो, आईपीएल है बॉस, यहाँ पे आप जिस प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो परफॉर्म करे वो कभी कभी नहीं करता, जिनसे एक्सपेक्ट अब ना भी करो तो वो भी परफॉर्म कर जाता है। अब बात करूंगा मैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स ने जो रिलीज किए प्लेयर्स उनमें है केएल राहुल, रवि बिश्नोई एंड निकलस पुरान एंड मोहम्मद शमी। अब इन प्लेयर्स के चले जाने से जो है काफी अच्छा बैंक बैलेंस तो आ ही गया पंजाब किंग्स के पास। तो जो प्लेयर्स रिटेन किए गए उनमें सिर्फ दो ही प्लेयर्स रिटेन किए गए, एक है मयंक अग्रवाल और दूसरे है अर्शदीप सिंह, द पेस बॉलर हु हैड अ वेरी गुड रन इन द आईपीएल। एंड मयंक अग्रवाल जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं हर आईपीएल में, उन्हें रिटेन किया गया है 12 करोड़ में और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया गया है 4 करोड़ में। केएल राहुल का जहां तक हमने सुना है वो शायद लखनऊ जा सकते हैं या फिर जो है उनकी बात हो रही है मुंबई इंडियंस से। सो यू नेवर नो वेयर ही माइट लैंड अप, मे बी ही वुड लैंड अप इन दिस न्यू टीम विच इज ऑफ लखनऊ, और ही माइट लैंड अप इन अहमदाबाद, और ही माइट लैंड अप इन मुंबई। सो यू नेवर नो। बिश्नोई की बात करें तो मुझे लग रहा था कि बिश्नोई को रिटेन करना चाहिए था, बिकॉज उनकी बॉलिंग जो है काफी अच्छी है, काफी अच्छे फील्डर भी है, यंग है, he has that spunk, so I think so Punjab has missed the trick over. अब बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर की। तो इस साल कपनम दे, आई डोंट नो कपनम दे कब होगा, लेकिन जो प्लेयर्स रिटेन किए गए उनमें ऑब्वियसली विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, मोहम्मद सिराज है। विराट कोहली हैज बीन रिटेन फॉर 15 crores, मैक्सवेल हैज बीन रिटेन फॉर 11 crores एंड मोहम्मद सिराज हैज बीन रिटेन फॉर 7 crores। जो प्लेयर्स रिलीज किए गए उनमें है देवदत्त पडिकल, हर्षल पटेल एंड चहल, मतलब बड़े नाम्स की अगर बात करूं तो। मुझे लग रहा था कि युजवेंद्र चहल को रिलीज नहीं करेंगे, उनको रिटेन करेंगे, लेकिन शायद पैसों को लेकर जो है उनकी अग्रीमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए चहल को रिलीज कर दिया गया है
देवदत्त पड़िकल जो कि बैंगलोर के लिए अच्छे ओपनर साबित हुए उन्हें भी रिटेन ना करना, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। और हर्षल पटेल द पर्पल कैप होल्डर, अब मुझे लग रहा है कि ऑक्शन में घमासान युद्ध होने वाला है इस प्लेयर को खरीदने के लिए। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली डजंट वांट टू प्ले एल्सवेयर एंड ही हैज बीन लॉयल विद बैंगलोर। अब वो इस बार जो है कैप्टनसी में जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल को भी इसलिए रिटेन किया गया है क्योंकि वो जो है अगले कैप्टन बन सकते हैं आरसीबी के। मोहम्मद सिराज जो है हैज बीन अ गुड परफॉर्मर फॉर आरसीबी, तो शायद फेथ दिखा रहे हैं उनपे और इसलिए उनको रिटेन किया गया है। सो ये था हाल बाकी टीम्स का, ये था हाल इस रिटेंशन फीस का। अब जो है ऑक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी टीम्स में कौन से प्लेयर जाएंगे, ऑक्शन के दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ यहाँ से विदा, मिलूंगा आपसे थोड़ी देर में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैक्स स्पोर्ट्स। बाय।